तरह का सन्नाटा जेडीयू ऑफिस में था जिस समय गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद अब पिछले डेढ़ घंटे से यहाँ पे उत्साह का माहौल है। अब तय है कि तीसरा टर्म नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें बढ़त बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी लोगों का जो कहना है, इनका कहना है कि हम आश्वस्त थे अपनी इस जीत के लिए, हम शांत थे, हम बीजेपी की तरह सुबह से उत्साह नहीं मना रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे ट्रेंड्स का कि ट्रेंड्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी हमारी बढ़त दिखाई देगी। लेकिन दो बातें अशोक है इस पूरे चुनाव में जो रही, तीन महीने से मैं हूँ इस बिहार में और ये जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब से 29 अगस्त की जो स्वाभिमान रैली थी और उस रैली से जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने मंडल दो की बात की थी और उन्होंने कहा कि ये मंडल दो का दौर है, मंडल दो पर चुनाव होगा, उस चुनाव को लालू प्रसाद यादव बहुत हद तक मंडल दो की तरफ मोड़ने में कामयाब होते दिखाई भी दिए। उसका कारण ये है, जनादेश जनता का है, आरजेडी और जेडीयू के लिए दोनों लगभग बराबर सीटों पे बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार की जो छवि थी वो जिस तरह से उन्होंने एक लंबे समय तक विकास किया है उसको, उसके बारे में लोग तारीफ करते थे, तमाम योजनाओं की बात करते थे, लेकिन उनके मन में एक ये रहता था कि आरजेडी से जो उन्होंने समझौता कर लिया वो शायद नहीं करना चाहिए था, ये उनको ज्यादा हजम नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की जो रणनीति थी वो पूरी रणनीति मंडल दो की थी, जिसको लेके आरक्षण के एक बयान मोहन भागवत के, उसके बाद उस बयान को लेकर जिस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई और उस कोशिश में बहुत हद तक लालू प्रसाद यादव सफल भी रहे, जिस तरह से उनका कहना था, क्योंकि जब तीसरे चौथे चरण में एक सफाई के रूप में कहें या फिर कहें कि उस भ्रम की स्थिति को साफ करने की एक तरह से एक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में की, उसके बाद आरजेडी का ये रूप था कि जो डैमेज होना था या जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं। तीसरी पार्टनर की बात एक और कांग्रेस की, कांग्रेस 40 सीटों पे लड़ रही थी अशोक, 10 सीटों पे इस समय बढ़त पे दिखाई दे रही है ट्रेंड्स जो दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जो ये समझौता था इस बिहार के चुनाव में, जहां आरजेडी उसके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी और राहुल गांधी को ये नागवार था लालू प्रसाद यादव के साथ लड़ने का, लेकिन इस चुनाव में साथ खड़े होने का एक मकसद दिखाई देता था कांग्रेस का कि अगर नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुकता है बिहार में तो उसका कुछ श्रेय वो लेके केंद्र में जा सके और कह सके कि इस बड़ी पार्टी जिसने 2014 में एक तरह से उनका सूपड़ा साफ किया उनको रोकने में कहीं कामयाब हुई। लेकिन इन दोनों पार्टी की, आरजेडी और जेडीयू का अस्तित्व भी एक तरह से दांव पे लगा था क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर और उस दांव के लिए उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं जी जान लगाया और जिसका असर भी उन लोगों को इस तरह से सीटों में दिखाई दे रहा है। अब आगे की चुनौती होगी सरकार को चलाने और आगे की रणनीति तय करने। जाहिर तौर पर आगे की